सिक्किम्रे प्रबल वर्षा पर ग्लासियल ह्रद फाटी तिस्ता नदी में आसीथिबा प्रलयंकरी बन्या व्यापक क्षयक्षति घटाई। एहि बन्या रे 23 जवान को समेत पाखापाखि 120 जन निखोज हो जाइथिले। निखोज जवान एवं अन्य मानंकु खोजिबा पई बड़ धरणर सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि। गतकाली संध्या सुधा 18 मृतदेह मिलिछि, आउरी 98 जन एबे भी निखोज अछन्ति। सेमानंक मध्यरे 17 जन जवान अछन्ति बोली राज्य मुख्य सचिव बीबी पाठक कहिछन्ति। सिक्किम्र विभिन्न अंचल 3000 रु अधिक पर्यटक एबे भी फसी रहिछन्ति। सेमानंक मध्यरु 2011 जन को सुरक्षित उद्धार करा जाइछि। अन्य पक्षे विपर्यय 22034 लोकंकु प्रभावित करिछि। राज्य सरकार प्रभावित जिलागुड़िक 26 रिलीफ शिविर प्रतिष्ठा करिछन्ति। ग्यांगटक जिलार 8 रिलीफ शिविर में मोट 1025 जन आश्रय नेइछन्ति। मंगलवार दिन नेपाल एवं आखपाख अंचल होइतिबा शक्तिशाली भूमिकंप एथिपाइन दायी कि नुहे ताहा उपरे वर्तमान वैज्ञानिक मैंने अनुसंधान करुछन्ति। एही ह्रद उछुलिबा जोगु राज्यर सर्वबृहत जल विद्युत प्रकल्प चुंगथांग ड्याम मध्य भांगी जाइछि। ह्रदटी पूर्वरु संवेदनशील थिला एवं 168 हेक्टर अंचल परिव्याप्त थिला। केंद्रीय जल आयोग जणे वरिष्ठ अधिकारी कहिछन्ति जे एहारो आयतन वर्तमान 60 हेक्टर को ह्रास पाइछि, जहाँ दर्शाउछि जे प्राय 100 हेक्टर जल उछुलि बन्या सृष्टि करिछि। घटनास्थल परिदर्शन करिथिबा केतेक विशेषज्ञक मतरे भूमिकंप जोगु सेठारे बन्या परिस्थिति सृष्टि होइथाय पारे बोली कुहाजाउछि। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट रो वरिष्ठ जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ अरुण बी श्रेष्ठ कहिछन्ति जे बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप जोगु मध्य एही विपर्यय घटिथाय पारे, कारण गत 24 घंटा मध्यरे 100 मिलीमीटर रु अधिक वृष्टिपात रेकर्ड करा जायछि। उल्लेखयोग्य जे सिक्किम्रे मंगलवार राति सारा प्रबल वर्षा लागि रहिथिला। उत्तर सिक्किम्र लोनक ह्रद उपरे बादल फटा वर्षा जोगु अचानक एहा फुली उठिथिला एवं तिस्ता नदीरे जलस्तर भयानक भावे वृद्धि पाइथिला। सेनार पूर्व कमांड द्वारा जारी होइथिबा बिबृति अनुजाई चुंगतंग ड्यामरु सेही समयरे पानी छड़ा जिबारु जलस्तर हठात 15 रु 20 फुट उच्चताकु वृद्धि पाइथिला। एहा फलरे सिंगतम निकटस्थ बारदंगरे पार्किंग होइथिबा सेना गाड़ी भासी जाइथिला, फलरे 23 जवान निखोज होइजाइथिले। एहा सहित शताधिक स्थानीय बासिंदा मध्य भासी जाइथिले। ब्युरो रिपोर्ट, खबर ओडिशा।